एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं पिछला लेक्चर यानी यूनिट वन को समाप्त कर दिया था, है ना। यूनिट वन को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और जो अभी यूनिट टू चलेगा, आज जो है यूनिट टू, है ना। यूनिट टू में हम क्या है, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, ना। तो लेकिन हम सबसे पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो लोग भी इस सेशन को पढ़ सकें, है ना। बहुत ही आसानी से मैं सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हम यानी मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ठीक है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आशा करता हूँ कि इसे भी मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और यूनिट वन भी, यानी मैं इस पूरे ऐप ट्रिपल ई के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सबको पूरा क्लियर करूँगा अच्छे से, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा। इसलिए चलिए, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ कि आज ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है ना। बेसिकली हम इसके बारे में जानेंगे। तो यानी ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यह है कि कोई भी सर्किट्स का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कोई भी एनालॉग सर्किट्स होता है उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं ना, क्या क्या होता है। तो इसको हम जानने से पहले इसकी पूरे बता दो डिफिनेशन की क्या होता है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जिसे हम ओपेम्प के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ओपेम्प के नाम से जानते हैं, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपेम्प के नाम से जानते हैं। ओपेम्प क्या है सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट कहता है कि ओपेम्प आर लीनियर डिवाइसेस। लीनियर डिवाइसेस का मतलब क्या है कि हम जितना इनपुट इसमें देंगे उतना ही मुझे आउटपुट मिलेगा, है ना। देखिए, जितना हम इनपुट इसमें देंगे उतना ही क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं यह जो है इनपुट पे आधारित है। अगर हम टेन एम्पियर का अगर इससे करंट फॉलो करवाएं तो उधर से भी क्या होगा, 10 एम्पियर का ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यानी ओपेम्प पर लीनियर का ही मतलब क्या होता है कि हम जिसको मतलब जो दिए वही होना चाहिए। अगर हम इनपुट को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह डीसी एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी। इसकी जो नेचर होती है वह कैसी होती है, डीसी नेचर की होती है ना। कैसी नेचर की होती है, डीसी। इसे एम्पलीफाई करने के लिए जो होती है वह डीसी नेचर का करना होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूनिट इन सिग्नल कंडीशनिंग फिल्टरिंग, है ना। कंडीशनिंग लिंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग बालों को सॉफ्ट रखने के लिए क्या करते हैं कि कुछ लगाते हैं जैसे शैम्पू वगैरह, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बाल का फेस कंडीशनिंग होती है। यानी क्या होता है कि वह अच्छे तरह से मूव कर पाता है ना, बालों को जिधर पतिधर कर सकते हैं हम, तो उसे कहते हैं कंडीशनिंग। इसी प्रकार सिग्नल को भी कंडीशनिंग करने के लिए, इसे भी एक अच्छे फॉर्म में लाने के लिए, जैसे आप टीचर आते हैं, ठीक है, क्लास में, तो क्या होता है कि सब बच्चे तो उसके पहले क्या करते हैं, सब कभी इधर, है ना। सपोज यहाँ क्लास है तो कोई इधर, मतलब कि एक रूप से नहीं बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, सब टीचर अपने सीधा में, यानी जैसे बैठने का होता है वो बैठ जाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सिग्नल को कंडीशनिंग करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए जो परफॉर्म वेरिएबल ऑपरेशन होती है ना, ऑपरेशन के जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो जो होता है क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरनेशन,
इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे हल्का सा गलती हो गया है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी हम इसको चार तरीके से क्या कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं यानी फिल्टरिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से सिग्नल को। अगर सिग्नल एक दूसरे से मतलब ख़राब है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से तरीके से, मैंने बताया कि चार तरीके से कर सकता हूँ, कौन कौन से, एडिशन है ना फर्स्ट, दूसरा सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन और चौथा जो है डिफरेंशिएशन, यानी चार प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को मैं सही कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो है पॉइंट्स का था, एम्पलीफाई वोल्टेज विथ एक्सटर्नल फीडबैक, यानी इसे जो एम्पलीफाई करना है वह क्या चाहिए, एक्सटर्नल फीडबैक चाहिए। एक्सटर्नल फीडबैक क्या होता है कि हम, मुझे ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत होती है ना, कोई भी चीज़ों को मुझे ज़्यादा करना है तो क्या करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर मुझे कोई चीज़ छुपाना है तो क्या करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यह है कि एम्पलीफायर वोल्टेज विथ एक्सटर्नल फीडबैक, हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक लगानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं, फीडबैक एलिमेंट्स क्या होता है, फीडबैक एलिमेंट्स क्या होता है। यह जो होता है थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, मैं फीडबैक के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो होता है फीडबैक एलिमेंट्स, वो थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। वो कैसे होता है, ये देखिए, फर्स्ट जो टर्मिनल होता है ये होता है, दूसरा ये होता है और ये तीसरा होता है, यानी कितने तरीके से होता है, तीन टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। और तीन टर्मिनल डिवाइस में दो जो होता है वह क्या होता है, दो इनपुट होता है और वन जो है वो आउटपुट होता है, वन आउटपुट होता है, ठीक है। और होता क्या है कि इसमें देखिए, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, यानी जो फीडबैक एलिमेंट्स होती है वह टू इनपुट और वन आउटपुट होती है, और जो टू इनपुट होती है, एक इनपुट जो होता है वह इन्वर्टिंग होती है और दूसरा जो इनपुट होती है वह नॉन इन्वर्टिंग होती है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग होती है। इन्वर्टिंग में क्या होता है, इन्वर्टिंग जो होता है टर्मिनल उसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, इन्वर्टिंग में, और इसमें क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग में पॉजिटिव होता है। बस फ़र्क इतना ही है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। नेक्स्ट जो आता है वो नेगेटिव फीडबैक इज ऑप्टर्नली यूज है ना, नेगेटिव ये फीडबैक का यूज ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके आगे मैं डिस्कस करूँगा क्यों किया जाता है, इसकी बहुत अच्छे से डिफिनेशन है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसका कि क्यों किया जाता है। मैं दोनों के बारे में बताऊँगा कि इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होते क्या है ना, और नेगेटिव फीडबैक को ही यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले और भी एक चीज़ बता दें कि यह जो होती है वो सिंबल ऑफ ऑप एम्प होती है। और ये देखिए जो इस फिगर देख रहे हैं आप लोग, फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, इसे हम कहते हैं जनरल लाइटेज, जेनरे लाइट फॉर्म ऑफ ऑप एम्प। पूछा भी जाता है कि आप जनरल लाइट फॉर्म ऑफ ऑप एम्प का ये फिगर बनाओ, फिगर ड्रॉ करो, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। क्या है इसमें भी, एक है इसमें, देखिए ये जो रियो स्टेट लगी होती है, इससे आरी लगी है, ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगी है, क्या लगी है, ट्रांजिस्टर लगी है, ठीक। तो इसे कहते हैं जनरल लाइट फॉर्म ऑफ ऑप एम्प, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है नो फीडबैक। देखिए ओपन लूप नो फीडबैक, ओपन लूप नो फीडबैक का मतलब यह है कि वोल्टेज गेन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसमें क्या होगा वोल्टेज, इसमें देखिए ओपन नो फीडबैक के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें नो फीडबैक का प्रोसेस में क्या होगा कि अगर नो फीडबैक रहेगा तो वोल्टेज गेन इन्फिनिटी होगा। इसमें जो वोल्टेज गेन होगी, वोल्टेज गेन जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। बट क्लोज लूप फीडबैक की प्रोसेस में जो होता है वो वोल्टेज गेन क्या होता है, वो इन्फिनिटी नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ वेरिएबल ये वैल्यूज होती है, ठीक है। अब फीडबैक क्या चीज़, और क्लोज लूप का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो ये कैपेसिटर में करते हैं, है ना, और क्या चीज़ में करते हैं, रजिस्टर में करते हैं, ठीक है। यानी नो फीडबैक की प्रोसेस में समझ में आ रहा है कि ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। ओपन लूप
ये वोल्टेज गेन इसमें इन्फिनिटी होते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसमें वोल्टेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और क्लोज लूप का मतलब है कि इसमें जो कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि वोल्टेज ऐसे मूव करते रहे ना, ऐसे, यानी इसी में एक क्लोज लूप के अंतर्गत। और एक नोट करने योग्य बात यह है कि इसे नोट कर लें कि एवरेज वोल्टेज जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है, एवरेज। और इसमें वोल्टेज जो गेन होती है, वोल्टेज गेन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ रहा है नो फीडबैक, फीडबैक क्या है, तो सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। तो इसका जो होता है इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट जो आता है ये भी क्या होता है, जेड इनपुट, वो भी क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं इसे हम। जेड इनको क्या कहते हैं, इनपुट इम्पीडेंस। तो भाई अब इम्पीडेंस क्या आ गया, ये तो नया लग रहा है शब्द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस होता क्या है, ठीक है, मैं सब पॉइंट्स को बताऊंगा। तो इम्पीडेंस को पहले जान लेते हैं कि जहाँ देखिए, इम्पीडेंस का मतलब यह है कि इम्पीडेंस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इसमें जो इंडक्टर लगे होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, है ना, और इंडक्टर, यानी ये तीनों जहाँ सर्किट एक साथ लगा रहा है, क्या रहा है, एक साथ लगा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, होता ना कहीं आरएलसी परिपथ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आरएलसी परिपथ आगे इसकी डिस्कस करनी है, या तो फिजिक्स में भी इसकी आरएलसी ये होता है, ठीक है, इसका यूज होता है। तो इसका, तो इसे ही इम्पीडेंस कहते हैं, जहाँ पे अगर तीनों का यूजेज होता है उसे ही कहते हैं इम्पीडेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो आता है जेड आउटपुट। जेड आउटपुट क्या होता है, जेड आउटपुट जो होता है वो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट इम्पीडेंस, है ना। जेड इनको इनपुट इम्पीडेंस, और इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आता है बी डब्ल्यू, जिसे बी डब्ल्यू भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंड विथ इन्फिनिटी, है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल, ये सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। अगर बहुत सारा सिग्नल्स, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ अगर मिल जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या बताया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये देखिए, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन किया, ठीक है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी इसका बैंडविड्थ का कहना यह था, यानी ये साइंटिस्ट थे, बैंडविड्थ। और इसके कहने का मतलब यह था कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का को यह एक साथ एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट क्या आता है, ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज यानी वी टेन जो होता है वह जीरो होता है, वी टेन जो होता है वह जीरो होता है। यानी अगर इनपुट सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं हो तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ऑफसेट का मतलब यही होता है, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, देखिए बता दे रहा हूँ, ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि अगर अगर इनपुट जो है, अगर इनपुट सिग्नल में, अगर इनपुट सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं हो, नॉट चेंजेस, देन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी जीरो। समझ में आ रहा है कि ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, कि अगर इनपुट में, इनपुट सिग्नल्स में कोई चेंजेस नहीं हो तो आउटपुट जो होगी वह जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम बातें कर लेते हैं पिन डायग्राम। ये पिन डायग्राम है, कौन सी डायग्राम है भाई, पिन डायग्राम। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसे भी सर्किट एनालिसिस में किया जाता है, ठीक है। पिन डायग्राम को शायद आपने देखा होगा, और आपने लेकिन देखा होगा या तो नहीं देखे होंगे आप लोग, तो नहीं देखें तो कोई बात नहीं। देखिए इसमें कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ रहता है, 741 ओपम, कुछ भी, नथिंग, ये कुछ भी दे सकते हैं, है ना, समथिंग कुछ भी दे सकते हैं इसमें आप। यहाँ पे 800 आपने बहुत सारा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर ये कोई भी ये डीसी का सर्किट से देखेंगे तो उसमें लगभग
में लिखा हुआ रहता है इस टाइप से, ठीक है, ज़रूरी नहीं 741 ही कुछ भी रह सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑफसेट नल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इनपुट कहते हैं, इनपुट ऑफसेट इसका नाम क्या है, ठीक है, इनका जो नाम है वह है इनपुट ऑफसेट, ठीक है। ये एक यानी चार लगी होती है इसमें ऐसे, और ये क्या होता है, इन्वर्टिंग होता है, ये होता है नॉन इन्वर्टिंग, और ये जो होता है वो पावर होता है, इसे हम VCC के नाम से जानते हैं, VCC के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, NC नॉट कनेक्टेड, जिसे कहते हैं NC शॉर्ट में, ठीक है, और VCC यानी V प्लस पावर जो होता है, VCC को ही हम V प्लस पावर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो आउटपुट होता है, और ये ऑफसेट नील यानी इनपुट, इनपुट क्या ऑफसेट। तो पिन डायग्राम भी पूछ दिया जाता है कि पिन डायग्राम क्या है, इसका यूजेस कहाँ होते थे, इसके क्या कहाँ यूज है, सर्किट में, कोई भी सर्किट्स बनाने में, DC के सर्किट्स बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट्स है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ये होगा, तो पिन डायग्राम समझ में आ रहा है। और जो मुझे देखिए, मुझे आज का टॉपिक मैं बस इतना ही रखता हूँ, और कल जो मैं पढ़ूँगा वो लेक्चर, वो क्या होगा, लेक्चर टू होगा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि CMRR क्या होता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे ओपेम्प लूप गेन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है, ओपेम्प कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इन्वर्टिंग ओपेम्प क्या है, तो मैं सब कल डिस्कस करूँगा। मैंने अभी भी बताया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का आगे यूजेज है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो समझा ही दिया था कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही रखता हूँ, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि आप मेरे, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो भी समझ में नहीं आए, ठीक है ना, आपको आपके नज़र से लगे कि ये पॉइंट छूटा हुआ है, या तो मेरे उम्मीद से तो मैं जितने भी टॉपिक्स है मैं सबको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, एक भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगे कि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका हल ज़रूर करूँगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।